नमस्कार दोस्तों, जसबीर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राफेल डील के बारे में। मुझसे कई दोस्तों ने प्रश्न किया है कि क्या ये राफेल डील जो हुई है मोदी सरकार के टाइम पे, इसमें और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे राफेल डील हुई थी, उसमें क्या फर्क है, उसमें अंतर क्या है, और कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये घोटाला है। आइए समझते हैं। देखिए, 2008 के करीब इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि हमें जहाज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो मिग हैं, जो कि फाइटर प्लेन्स हैं, वो पुराने हो चुके हैं और हमारे पास नए प्लेन्स की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने डिमांड की, रिक्वेस्ट की 126 प्लेन्स की। टेंडरिंग का प्रोसेस हुआ, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स हुई, और सब में पाया गया कि जो सबसे अच्छी बिड थी, जो लोएस्ट बिड थी, L1 जिसको कहते हैं, वो थी डिसॉल्ट कंपनी की। डिसॉल्ट कंपनी फ्रांस की कंपनी है जो कि राफेल जहाज बनाती है, और 2014 होते होते उसकी काफ़ी उसमें नेगोशिएशंस हुई। नेगोशिएशंस में पाया गया कि लगभग, मतलब 125 करोड़ रुपए का एक जहाज तय हो गया कि वो 525 करोड़ का एक जहाज हमको, इंडिया को देंगे। उसमें वो 18 जहाज, सबसे पहला समझ लीजिएगा, 18 जहाज वो हमको सीधे तौर पे बिल्कुल टू फ्लाई कंडीशन में देंगे, और हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इंडिया की जो कंपनी है, उसके लिए होगा। वो यहाँ पे उसके बाद वाले जो जहाज होंगे वो बनाएगी। 526 करोड़, 525, 526 करोड़ में एक जहाज पड़ रहा था तब, हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। अब आइए दूसरी तरफ, 2014 में मोदी सरकार आई, 2015 में अगर आपको याद हो तो मोदी जी और होलांडे जी की जफ्फियां जो पड़ी फ्रांस में, वो आप सबको याद होंगी। जब ये वहां गए तो ना तो, पहले ये जान लीजिए, ना तो यहाँ कोई इनके डिफेंस मिनिस्टर को ये पता था, ना ही कैबिनेट कोलीग्स को ये पता था कि वहां जाके ऐसा कुछ करने वाले हैं। वहां जाके इन्होंने एक नई डील कर दी। वो क्या थी कि साहब आप हमें सिर्फ 36 जहाज दीजिए, 126 जहाजों की बात हुई, अब इन्होंने कहा 36 जहाज दीजिए, और उसकी प्राइसिंग क्या हुई, 58,000 करोड़ रुपए, 58,000 करोड़। 58,000 करोड़ का मतलब ये समझ लीजिए लगभग 1,600 करोड़ का एक जहाज। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वाली बात खत्म हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वाली बात खत्म हो गई। अब एक नई कहानी यहाँ पे जुड़ गई कि एक रिलायंस वालों ने एक कंपनी बनाई, अनिल धीरूभाई अंबानी वालों ने, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, जिसका कि डिफेंस के लिए या पुर्जे बनाने के लिए क्या एक्सपीरियंस है, जीरो एक्सपीरियंस है। 2015 25 मार्च को ये कंपनी रजिस्टर होती है। अब जब ये डील हो गई, उसके बाद सीईओ ऑफ डिसॉल्ट कहते हैं दैट आउट ऑफ 58,000, लगभग आधा पैसा जो है ये रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को जाएगा, क्योंकि वो इसके कुछ एक पुर्जे इंडिया में बनाएंगे। अब साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक्सपीरियंस है या नहीं वो आप सबको मालूम है, लेकिन अंबानी इसको कितना एक्सपीरियंस है वो तो हर कोई बोल देगा, जीरो एक्सपीरियंस है। वो अब उसके पुर्जे यहाँ पे बनाएंगे, उनको जाएगा। तो इस टाइम पे क्या कॉस्ट पड़ रही है, 1,600 करोड़ एक जहाज की। 36 जहाज टोटल हैं जिन्होंने आना है, जबकि रिक्वेस्ट आज से कितने साल पहले की गई, लगभग 10 साल पहले। इंडियन एयरफोर्स तब मांग रही थी 126 प्लेन, ना तो अभी तक कोई जहाज आए, अभी तक ये सब तामझाम ऐसे का ऐसे ही रह गया, कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उस समय के मनोहर पर्रिकर साहब थे, पर्रिकर साहब को तो चलिए कुछ पता ही नहीं था कि क्या डील होने वाली है, क्या डील हुई है। अब पर्रिकर साहब चले गए डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़ के, उसके बाद वो गोवा के चीफ मिनिस्टर बन गए दोबारा से जाके, क्योंकि गोवा में आपको पता है क्या हुआ था। अब निर्मला सीतारमण, द ट्रांसपेरेंसी चैंपियन, वो कहती थी वी हैव नथिंग टू हाइड, हमारे को छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चीज सदन के पटल पे खुल के रखेंगे। जब सदन में उससे पूछा गया, नहीं एक सीक्रेसी क्लॉज है, चलिए साहब कौन सा सीक्रेसी क्लॉज है, बाद में फ्रांस ने ऐसा कहा कि कोई ऐसा सीक्रेसी क्लॉज नहीं है उस डील में, जो भी है वो सामने रखिए। उसके बाद और देख लीजिए क्या हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने सदन के पटल पे कहा, देखिए जहाज तो लगभग 600 करोड़ का ही है, 1,600 करोड़ जो है वो तो उसमें कुछ हेलमेट आएगा, कोई कुछ और मिसाइल का सिस्टम आएगा,
तीन चार और सिस्टम्स आएंगे जिसके कारण उसकी कॉस्ट 1600 करोड़ हो रही है लगभग, मतलब 600 करोड़ का आपका जहाज है और 1000 करोड़ में उसमें एक्सेसरीज लग रही है बेसिकली। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप 10 लाख की आपने गाड़ी ले ली और उसमें 20 लाख की एक्सेसरीज लगवा ली, 30 लाख का पड़ गया वो। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात अब खत्म हो गई, क्योंकि अब तो भाई HAL का कोई रोल ही नहीं रहा, अंबानी का आपको पता है क्या रोल है इसमें। अब उसके बाद सबसे बड़ी कहानी ये आ गई कि उसी दौरान रफेल की डील UAE के साथ हो गई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। अब संयुक्त अरब अमीरात को उन्होंने 625 करोड़ रुपए में एक जहाज दिया है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये डील में क्या हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में 525 करोड़ का था, अब ये 1600 करोड़ से ऊपर का जहाज हो गया है, और इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी खत्म हो गई है, जहाजों की कीमत भी बढ़ गई और जहाज भी कम हो गए हैं, और कितना वक्त बीत गया है उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ गए वो भी अब आपके सामने है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि राफेल डील में हुआ क्या है। 58,000 करोड़ का अब ये डील सिर्फ 36 के लिए है। आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करें। कोई भी प्रश्न हो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट्स में पूछिए। आपके कई मित्रों के मेरे को आते हैं व्हाट्सएप पे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आप लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं, आप लोग मेरे को व्यूज देते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।